फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग एट इज़। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे न्यू हिबिस्कस का पहला फ्लावर खिला है और ये कली भी मेरे प्लांट के लाने के बाद ही, इसको पॉट करने के बाद ही बनी थी, तो ये आज पहली बार खिला है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सुंदर से हिबिस्कस फ्लावर के साथ। और आज बात करूँगी मैं एक बहुत ही अच्छे प्लांट के बारे में, जो कि है हमारा लेमन प्लांट। तो चलिए चलते हैं अपने लेमन प्लांट के पास। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा लेमन प्लांट। लेमन प्लांट के ऊपर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ्लावरिंग बर्ड्स निकले हुए हैं, बहुत गुच्छों में फ्लावर्स बनकर आए हुए हैं। और ये देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स इस पर निकल गए हैं और प्लांट जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं वो देखिए फ्रूट में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स जो है फ्रूट बन रहा है इनका। और जब इस तरह से प्लांट में आपके फ्लावरिंग होती है और प्लांट जो है छोटे छोटे फ्रूट्स भी डेवलप करना शुरू कर देते हैं। देखिए न्यू लीव्स भी इस पर निकल कर आ रही हैं, न्यू ग्रोथ इस पर बनकर आ रही है। तो लेमन प्लांट को अगर आपने देखिए फेब्रवरी मंथ, आधा फेब्रवरी निकल चुका है, तो इसके ऊपर अब काम करेंगे हम। तो इसकी जो है देखिए, जब प्लांट में इस तरह से बर्ड्स बनी होती हैं, फूल खिले होते हैं, तो उस टाइम जो है आपको प्लांट को रिपॉट नहीं करना है। बिल्कुल आपने उसको, उसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, रूट प्रूनिंग इसकी नहीं करनी। लेमन प्लांट की जिन ब्रांचेस पे कोई फ्रूट्स नहीं है, लीव्स नहीं है, और जो ब्रांचेस आगे से डेवलप नहीं हो रही है, आप सिर्फ उनकी कटिंग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये है, इस ब्रांच के ऊपर कोई लीव्स नहीं है और आगे इसके ऊपर कोई फ्रूट्स भी नहीं लगे हुए हैं, तो इस ब्रांच को आप आगे से कट कर देंगे ताकि नीचे से और नई ब्रांचेज निकलें और प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करें। इसीलिए इस जो भी डेड ब्रांचेज हैं उनको आप ऊपर से ट्रिम कर देंगे छोटी छोटा, तो अच्छे से प्लांट के पर फ्लावरिंग होगी और प्लांट हमें अच्छा नया फ्रूट दे पाएगा। तो इसीलिए जो भी इसके ब्रांचेस के ऊपर बर्ड्स नहीं है, लीव्स नहीं है, उन ब्रांचेस को आप कट कर देंगे। देखिए हल्का हल्का आपने प्रून कर देना है थोड़ा थोड़ा आगे से, ताकि प्लांट के ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग हो पाए। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपने जो भी पुरानी ब्रांचेज हैं, सूखी ब्रांचेज हैं, उनको आपने कट करना है। इस तरह से आप कट कर देंगे। बहुत ज़्यादा ब्रांचेज मेरे प्लांट में कट करने के लिए नहीं है, क्योंकि हर ब्रांच पे जो है फ्लावरिंग बर्ड्स निकले हुए हैं, तो प्लांट को एक्स्ट्रा आपने कट नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं को कट करना है जो कि ब्रांचेज आपकी बर्ड्स नहीं निकाल रही हैं, सूख रही हैं, तो और उनको ही आप ट्रिम करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचेस को हमने ट्रिम कर ली है। तो अब जो है बारी आती है इसके ऊपर, इसके सॉइल में फर्टिलाइज़ करने की। इस प्लांट को सिर्फ मैं अभी फर्टिलाइज़ ही करूँगी, कोई ज़्यादा इस पर कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि प्लांट में बहुत ज़्यादा बर्ड्स निकले हुए हैं, तो इनको अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ये सभी बर्ड्स जो हैं फ्रूट में कन्वर्ट हों, बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स इसमें निकले हुए हैं, फ्लावर्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए इस तरह से लेमन भी बनना इसमें स्टार्ट हो गया है। तो अब हम करेंगे इसकी, पहले हम इसकी गुड़ाई कर लेते हैं। चलिए देखिए इस तरह से इसकी गुड़ाई कर लेंगे। देखिए मेरे प्लांट की सॉइल कितनी हल्की सॉइल बनी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छे वेल्ड्रेन सॉइल इसमें मैंने बनाकर डाली हुई है जब मैंने प्लांट को लगाया था। तो इसको फर्टिलाइज़ करने के लिए देखिए अब इससे पहले हम गुड़ाई करेंगे। और हम चाहते हैं कि सभी फ्लावरिंग बर्ड जो है हमारे फ्रूट में कन्वर्ट हों, तो इसके लिए हम जो है इसके लिए एक इन्विटेशन कार्ड करेंगे, ताकि हमारे जो फ्लावर बर्ड्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएं। तो पॉलिनेशन करना बर्ड्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, बर्ड जो हैं फ्लावर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे और फ्लावर जो हैं फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए इनके लिए इन्विटेशन तैयार हम करेंगे। अभी आप पूरा आगे वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इनका इनविटेशन कार्ड तैयार करना है पॉलिनेटर्स के लिए। तो चलिए पहले इसकी गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करके इसकी जो भी ऊपर की सॉइल है उसको हम निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा सॉइल को हम बिल्कुल ऊपर से निकाल लेते हैं। देखिए प्लांट में इतनी सॉइल है कि आपने इसको ऊपर से निकाल लेना है। सॉइल को निकालने के बाद ही हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। तो चलिए अच्छे से सॉइल को मैं निकाल लेती हूँ और कैमरे को सेट कर लेती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, लेमन प्लांट की अच्छे से हमने गुड़ाई करके इसके ऊपर की सॉइल को हमने निकाल लिया है प्लांटर में से। तो प्लांटर में से सॉइल को निकालने के बाद इसके रूट्स देखिए ऊपर तक बिल्कुल हल्के हल्के फाइबर रूट्स, इसके छोटे छोटे रूट्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें फर्टिलाइज़र, तो प्लांट के बर्ड्स को डेवलप कराने के लिए, फ्रूट में कन्वर्ट करवाने के लिए इसको फर्टिलाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट में हम क्या डालेंगे आप देख सकते हैं, ये मैंने लिया काउडंग कंपोस्ट और नीम खली और कैल्शियम पाउडर के लिए, जैसे बोन मील बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेमन प्लांट के लिए, तो बोन मील मेरे पास नहीं था तो मैंने लिए हैं चौक, जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चौक होता है उसका, मैंने चार चौक को लेकर चूरा कर लिया और इसमें जो है डाल लिए, चार पाँच चौक है इस तरह इतने बड़े बड़े साइज़ के, इनको जो है हमने चूरा करके इसमें डाल लिया। और फंजीसाइड पाउडर है, और इसके लिए कैल्शियम के लिए मैं एक और डालना चाह रही हूँ इसमें, एक इसमें है कैल्शियम एंड विटामिन D3, ये शेल कैल जो हम खाते हैं कैल्शियम के लिए, हमें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होता है, तो प्लांट्स में भी उसी तरह से कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो विटामिन D3 और कैल्शियम की दो टैबलेट मैंने इसके अंदर पीस लिए, तो चॉक पाउडर के साथ दो टैबलेट मैं कैल्शियम की भी डाल रही हूँ, तो वो इसमें मिक्स करके हम लेमन प्लांट में डालेंगे। और एक इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेमन प्लांट के लिए, इसके फ्लावर्स बनाने के लिए, ये देखिए ये है ली है मैंने एलम, ये कम से कम 2 चम्मच एलम का टुकड़े, एलम के पीसीज हैं 2 चम्मच हैं ये, इस बाल्टी 20 लीटर की बाल्टी के लिए 2 चम्मच सफिशेंट होगा ये हमारे लिए। ये हम इसमें मिक्स करेंगे और अपने प्लांट में डालेंगे। तो ये साबुत चौक भी हम इसमें डाल सकते हैं, दबा सकते हैं, वो हमारे प्लांट में अच्छा वर्क करेगा। धीरे धीरे जैसे हम वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट में हमारे घुलता रहेगा। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करेंगे। तो चलिए, पूरा फर्टिलाइज़र मैं इस लेमन प्लांट के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैं ये इतना बड़ा है, 20 लीटर की हमारी बाल्टी है, 20 से 25 लीटर ही है, तो मैंने कम से कम ये 3-4 मुट्ठी फर्टिलाइज़र भर के मैंने इसमें डाल दिया है, जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेमन प्लांट के लिए फ्रूट्स में कन्वर्ट करने के लिए इतना फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए चाहिए होगा। तो ये मैंने देखिए चौक भी इसमें डाल रही हूँ, दबा रही हूँ, ताकि जो प्लांट में हमारे ये घुल घुल के इसको कैल्शियम दे। तो इसके ऊपर जो है हम इसको जो है अब हम सॉइल से ढक देंगे। फर्टिलाइज़र देने के बाद आपने इसको ऊपर से सॉइल डाल देना है और सॉइल से इसको अच्छे से ढक देना है। देखिए इस तरह से हम इसको इसकी सॉइल को फर्टिलाइज़र को हम ढक देंगे, ताकि जब भी हम पानी डालें तो वो अच्छे से प्लांट में घुल जाए और बाहर ना निकले। तो ये देखिए हमने लेमन प्लांट को फर्टिलाइज़ कर दिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर वाटरिंग। तो वाटरिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये मेरा सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसमें मैंने सरसों खली, गोबर की खाद और नीम खली और बोन मील को मिक्स करके फर्टिलाइज़र तैयार किया हुआ है। इसे 1 लीटर हम पानी लेंगे और 10 लीटर पानी में मिक्स करेंगे, फिर हम अपने उस पानी को कम से कम इस प्लांट के अकॉर्डिंग जो है हम 1 लीटर इसमें डालेंगे। देखिए अभी मैं बहुत ज़्यादा वाटरिंग प्लांट में नहीं करूँगी, सिर्फ एक डब्बा ही सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने नॉर्मल पानी में डाइल्यूट कर लिया है, उसको मैं इस प्लांट में डाल रही हूँ अपने लेमन प्लांट में। ये देखिए हमने वाटरिंग कर दी है इस फर्टिलाइज़र वाले पानी से। अब हम मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊँगी कि मैं इस इनके लिए पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करूँगी, तो चलिए बताती हूँ कि ये लिया है मैंने 1 लीटर पानी, एक स्प्रे बॉटल में हम 1 लीटर पानी ले लेंगे। और ये देखिए ये है हनी, हनी को मैं यूज़ करूँगी, 1 चम्मच हनी मैं इसमें मिलाऊँगी 1 लीटर पानी में। देखिए 1 चम्मच हनी आपने 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है स्प्रे बॉटल में। आइडिया से मैं डाल रही हूँ, आप चम्मच लेकर भी घोल सकते हैं। ये 1 चम्मच मैंने इसमें डाल लिया है और उसके बाद हम इसको अच्छे से घोल कर इस पानी को हम अच्छे से घोल लेंगे। ये हमने अच्छे से घोल लिया है और पूरे लेमन प्लांट को हम इसके इस फर्टिलाइज सॉरी इस हनी वाले पानी से जो है स्प्रे करेंगे और इसको अच्छे से नहला देंगे, ताकि हमारे प्लांट के ऊपर पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हों और प्लांट हमारा इसके जो बर्ड्स हैं वो पॉलिनेट होकर
हमारे फ्रूट्स में कन्वर्ट हो सकें। तो पूरे प्लांट को, पूरी बर्ड्स को आपने इनको हनी वाले पानी से नहला देना है, बिल्कुल अच्छे से शावरिंग आपने प्लांट के ऊपर कर देनी है। तो आप ये 15-20 दिन में एक बार करेंगे तो आपके प्लांट के ऊपर जो है फ्रूट ही फ्रूट आपको मिलेंगे। गुच्छे में फ्रूटिंग आप अपने लेमन प्लांट के ऊपर ले सकते हैं। तो इसी तरह से आप पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए ये हमारा इन्विटेशन कार्ड है, हनी वाला पानी जो कि हमारे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा और प्लांट हमारा फ्रूटिंग अच्छे से कर पाएगा। लेमन प्लांट को फर्टिलाइज करने के बाद, स्प्रे करने के बाद आपने इसको बिल्कुल 5-6 घंटे की सनलाइट में ही रखना है। प्लांट आपको को बिल्कुल अच्छे से धूप में रखेंगे प्लांट, तो अच्छे से ये लीव्स भी निकालेगा और फ्लावरिंग भी हमें देगा, और फ्लावरिंग के बाद इसमें फ्रूट भी बनेंगे। तो लेमन प्लांट के लिए कम से कम 5-6 घंटे की धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छी सनलाइट में आप इस प्लांट को रखिए। तो देखिए मेरा पूरा टेरेस पे ये रखा हुआ प्लांट है, अच्छे से कम 5-6 नहीं तो कम से 7-8 घंटे की धूप को लगती है। सुबह 9 बजे से यहाँ पे धूप आती है और शाम तक जब तक सूरज नहीं ढलता है तब तक ये प्लांट मेरा धूप में ही रहता है। तो आप देखिए कि मेरा कितना ज़्यादा अच्छी सनलाइट में ये प्लांट सारा दिन रहता है और इसलिए इसके ऊपर इस तरह से फ्रूट्स भी अच्छे बनते हैं। फ्रेंड्स, लेमन प्लांट को आपने वाटरिंग कम करना है। जैसे अभी फर्टिलाइज़ करने के बाद हमने वाटरिंग किया है, तो नेक्स्ट वाटरिंग आपने तभी करनी है जब प्लांट की सॉइल जो है बिल्कुल सूख जाए। बहुत ज़्यादा भी सूखने नहीं देना है, हल्का सा मॉइस्चर प्लांट के अंदर बना रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो प्लांट के फ्लावर्स जो हैं, जितने भी फ्लावर्स आपके इस प्लांट के ऊपर बन रहे हैं तो वो सब झड़ जाएंगे। तो फ्लावरिंग होने के बाद आपने लिमिटेड वाटरिंग करनी है प्लांट में, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। 10 दिन में एक बार ही आप इसमें वाटरिंग करेंगे। जितना कम पानी आप इसमें देंगे उतना प्लांट आपका अच्छी फ्रूटिंग करेगा, अच्छी बर्ड्स निकालेगा। तो प्लांट की सॉइल को बस सूखने के बाद ही आपने वाटरिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी लेमन प्लांट के ऊपर वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।